से लेकर जंगल सभी जगह चल रहा है वस्त्र वितरण। अधिकतर जगह तृणमूल नेता द्वारा किया जा रहा है यह कार्य, लेकिन देखिए इस विषय पे क्या कहना है जगदल विधायक सोमनाथ श्याम का। कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है लोगों के पास खड़ा होगा और लोगों का साथ देना होगा, चाहे वो पूजा त्योहार का समय रहे या कोई भी फेस्टिवल है। हम लोग देख पा रहे कई जगहों पर साड़ी वितरण हो रहा है। हमारे साथ जगदल के विधायक है सोमनाथ श्याम, इनसे बात करना चाहेंगे। आप क्यों नहीं साड़ी वितरण कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री, जिनकी प्रेरणा से हम लोग अपना राजनीतिक जीवन को चलाते हैं या चलते हैं, वो हमेशा कहती है कि जो लोग दुख में है कष्ट में है उनके बगल में खड़ा होने के लिए। लेकिन उनका एक और भी कहना है कि किसी दुखित या शोषित आदमी के मजाक ना उड़ाया जाए। आज एक कपड़ा एक अबला नारी को, एक बूढ़ी को, एक बूढ़े को अगर हम एक कपड़ा देते हैं, उसके लिए स्टेज बनाकर उनको सबके सामने हाथ में कपड़ा देना, मुझे ये सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो लोग हैं जिनको हमें देने की ज़रूरत है, जिनको सही में ज़रूरत है, मैं उनके घर में पहुंचा देता हूं और वो ऐसा समय पहुंचाता हूं जिस वक्त आप कोई भी नहीं देख पाते हैं उस वक्त पहुँचाता हूँ। साड़ी जो साड़ी है ये स्टेज के लिए नहीं बनी? जी जी नहीं, ये स्टेज के लिए नहीं है। ऐसे मैंने बहुत सारी साड़ियाँ मंगाए हैं और मैं घर घर जाके देता हूँ, ये मेरा शुरू का परम्परा है। और आप, मैं कंबल भी बांटता हूँ लोगों को, रात को ओढ़ा के आता हूँ, स्टेज बना के कंबल नहीं बांटता हूँ। जो लोग सचमुच कंबल की ज़रूरत है उनके दिल पे रात को जाके मैं ओढ़ा के आता हूँ, उनके घर को दरवाज़ा खटखटा के मैं देके आता हूँ। और ये सारी और ये मिठाई उनके घर में पूजा मनेगा, उनके बच्चों का भी कपड़ा मिलेगा, सब चीज़ उनके घर में मिलेगा, ताकि वो भी समाज में सर उठा के चल सके और समाज में बोल सके कि ये कपड़ा उसका है, किसी का दान का कपड़ा नहीं है। ये तो मैं उसका लड़के के तरह, उसके भाई के तरह, उसके बंधु के तरह मैं उसको उसके बगल में खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई दान नहीं दे रहा हूँ। मैं उसका संग में रह के इस पूजा को उसको भी आनंदित करने के लिए ये मेरे तरफ से एक योगदान। सर एक सवाल और रहेगा कि इस बार दुर्गा पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहाँ मुख्यमंत्री का 60,000 राशि का सहयोग है, यूनेस्को का सहयोग है इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए। क्या कहेंगे इस बार यहाँ के जनता को, देशवासियों को क्या संदेश देंगे इस बार शुभेच्छावार? सबसे पहले मैं यहाँ के तमाम लोगों को दुर्गा पूजा का शुभेच्छा दूंगा, हार्दिक बधाई दूंगा दशहरा का, और आने वाला हमारे काली पूजा, दिवाली, छठ पूजा, जगदंती पूजा का भी मैं शुभेच्छा सभी को आगाम दूंगा। ये हम लोग का जो दुर्गा पूजा है ना, ये बंगाल के हर बंगाली यानी बांग्लावासी का ये प्राण पूजा है। इस पूजा का हम लोग ना पूरा साल इंतजार करते हैं कि कब आएगा पूजा, कब आएगा पूजा, पूरा साल इंतजार करते हैं। क्यों? हमको नया कपड़ा मिलेगा, बच्चे इसमें पूरा एकदम खुश रहते हैं, घर के महिलाएं पूरे खुश रहते हैं, माता लोग भी खुश रहते हैं कि ये एक दिन है जिस दिन हम लोग सारा द्वेष, सारा झगड़ा सब कुछ भूल कर सबको एक साथ मिलित होके, हर धर्म के लोग एक साथ मिलित होकर हम लोग पूजा पंडाल में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, बड़े लोगों से मिलते हैं, उनके पांव छूते हैं। ये एक अजब त्यौहार है जो बंगाल में इस दुर्गा पूजा के समय हम लोग का होता है। तो इस पूजा को हम लोग एकदम जो कहते हैं कि प्राण पूजा है, दुर्गा पूजा नहीं है यानी प्राण पूजा, इस पूजा को हम लोग सबको एक साथ, बंगाल के हर वासी हम लोग एक साथ मिलकर इसको मनाते हैं। इसके लिए बंगाल के तमाम वासियों को मैं दुर्गा पूजा का हार्दिक बधाई और शुभेच्छा देता हूँ। पार्षद अभिमन्यु तिवारी, 20 नंबर वार्ड, जहाँ पर माँ दुर्गा का एक भव्य परिवेश को क्या कहेंगे सर, मिथिला का जो मिथिलांचल पेंटिंग है लोग मोबाइलों में देखा करते थे, आज जो है आतपुर के प्रांगण में देख पाएंगे और बच्चे जो है मोबाइल से बाहर की दुनिया देख पाएंगे, किस तरह का थीम है और इसे किस लिए दर्शाएंगे? देखिए मैं थीम के बारे में तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि पूजा लोग आए देखें, ये एक नया अनुभव होगा हमारे इस अंचल के तमाम दुर्गा पूजाओं के जो पंडाल बना है उसमें एक नया चीज़ बन रहा है। तो मैं इसके लिए सारा श्रेय दूंगा अभिमन्यु तिवारी, हमारे जो वार्ड के पौर पिता हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगा
ऐसा एक थीम है, एक ऐसा सोच उन्होंने लेके आया जिसमें हम सबों का सहयोग है, लेकिन ये पूरा सोच उन्हीं का है जो उन्होंने ये वास्तव रूप में लाने का कोशिश कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। उनके साथ उनके जितने सहपाठी लोग हैं वो लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए मैं तमाम लोगों को धन्यवाद दूंगा। इस तरह का एक थीम लाके हमारे जगदल विधानसभा के और स्पेशली 20 नंबर वार्ड को गर्वित कर रहे हैं, इसके लिए उन सभी को धन्यवाद। तो ये थे जगदल के विधायक सोमनाथ श्याम, जिन्होंने बहुत बड़ी बातें कही कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेवा करने का कार्य कहा है दिखावा करने। कैमरामैन के साथ मैं रवि कुमार सिंह, 24 घंटा लाइव। द ब्लैक हार्बर मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट सब रकम खबर सुंदर प्रतिष्ठान एवं फ्री होम डिलीवरी रो सुव्यवस्था। द ब्लैक हार्बर 225/1RBC Road नोयाटी। सब रकम भालो खाबार और थाकार सुव्यवस्था क्रिस्टल इन कल्याणी एक्सप्रेसवे चादुआ मोड़।